हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पांच ऐसे काम के बारे में मैं बात करूंगा जो कि वो काम आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वो पांच काम अगर आप सीख कर अरब कंट्री में आते हो या अरब कंट्री में अपना कदम रखते हो तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। नंबर वन पे जो काम आने वाला है, जो बहुत ही अच्छा काम है, यहां से उस काम से बहुत ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, वो काम है एसी रिपेयरिंग, एसी को ठीक करना। और एसी रिपेयरिंग का काम आप अपनी कंट्री में रहते हुए सीख लो, यहां आओगे बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। ये आपके ऊपर है आप कौन सा काम सीख के आना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे जो काम आने वाला है गाइज, वो काम है कार रिपेयरिंग, यानी किसी भी प्रकार का कार रिपेयरिंग के जो भी काम होता है वो आप सीख लो। कार रिपेयरिंग का अगर काम सीख के आओगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर खुद का भी बिजनेस यहां आके अरब देश में डालोगे, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे कार रिपेयरिंग में। इतने पैसे है कि आपकी सोच से आगे है, आपका जो ड्रीम है उससे आगे है। तो कुछ चीजें आपको तय करनी है। हम जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप तक जो वीडियो पहुंचाते हैं ना, वो जो यहां देखते हैं या जो समझते हैं, सामान किसी और का, कार किसी और की, सिर्फ उसने नया सामान डाला और पुराना निकाला, उनमें से उनका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। जो कि 15 KD, 10 KD, 20 KD आपका सामान है, एक घंटा दो घंटे में अगर जे उस काम में लग रहा है कार मैकेनिक का, तो आप समझो कि उसका 20 से 25 KD और 20-25 KD अपनी कंट्री में कन्वर्ट कर लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितना पैसे है। नंबर तीन पे जो काम आने वाला गाइज, जो नंबर तीन पे मुझे सबसे ज्यादा पैसा लगता है, वो वेल्डर का काम है। वेल्डिंग में बहुत पैसे है, बहुत ज्यादा है, वेल्डिंग का काम सीख कर आओ। और नंबर चार पे, वो भी आपसे ही पूछ लेता हूं, बताइए कौन सा काम अच्छा है। जो भाइयां रहते हैं, जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं आप तक एक रियल और बेहतरीन जानकारी शेयर करना चाहता हूं। हमेशा कोशिश करता हूं कि आप तक एक रियल जानकारी शेयर करूं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। नंबर चार पे जो काम है ना, यहां पे हेयर कटिंग, टेलर, इन दोनों को मैं साथ मिला देता हूं, हेयर कटिंग और टेलर, ये भी काम अगर आप सीख के आओगे ना, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे है गाइज। पांच नंबर पे जो काम आने वाला है ना गाइज, वो है लॉन्ड्री का, कपड़े धोना, कपड़े फ्रेश करना, यानी आयरन का, उनमें भी बहुत पैसे है। दो तरीके से कपड़े यहां धोपे जाते हैं, एक आज दिए हैं, दो घंटे में रिटर्न चाहिए, उनका चार्ज अलग है। एक आज दिए है, कल चाहिए, परसों चाहिए, उनका चार्ज अलग है, दोनों का ही चार्ज अलग है, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे है। अगर आप अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ आते हो बिजनेस करने और आप सोच रहे हो कि अच्छे पैसे कमाने हैं, तो ये पांच से छह सात जो काम है वो सीख कर आना, अपनी कंट्री में कुछ न कुछ यहाँ सीख के आना, ताकि आप अच्छे पैसे कमा सको, मंथली 40 से 50 हजार कमा सको। हो सकता है इससे ज्यादा भी कमा लोगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा टाइम देना, थोड़ा सबर करना। बाकी आप ड्राइविंग लाइन में आओगे तो भी बहुत पैसे है, डिलीवरी बॉय में आओगे उसमें भी बहुत पैसे है। तय आपको करना है कि क्या काम सीख कर आना है इंडिया से। अगर बिना सीखे आओगे ना, तो यहां पैसे आपको मिलने वाला नहीं है, वही मिलेगा 15 से 20 हजार, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और अगर कमेंट करके बताएंगे जो ज्यादा काम
यहाँ पे होता है, जैसे टाइल्स है, जो घर में टाइलें लगती है वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं टाइलें में। एक घर में अगर एक टाइल भी टूट जाती है, अगर बाहर का व्यक्ति लगाने आता है ना, वो कम से कम 10 से 15-20 KD लेके जाता है मात्र एक घंटे में। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम है वो आपको अपनी लाइफ में अपना जो ड्रीम है, अपना जो सपना है वो पूरा करने का मौका देता है। किसी भी लाइन में 2 से 3 साल अपना लगा लेना, उसके बाद में लोग आपको पागल बोल सकते हैं, लेकिन आपने जो सीखा है वो है ना, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आज आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दो, आज उसका टाइम है, अपना टाइम खराब है यार। अपने आप को कोसो कि मेरा टाइम खराब है इसलिए अगला बंदा मेरा मजाक उड़ाता है, मेरे ऊपर कुछ न कुछ अगला बंदा फेंकता है कीचड़ क्योंकि मेरा हालात खराब है। लेकिन जो हालात है ना, उनके साथ समझौता मत करना। 2 से 4 साल अगर आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर देते हो ना, तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, और आप कहाँ पहुंच सकते हो ये है ना, सोच भी नहीं सकता है कोई। क्योंकि अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य खुद तय करो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनो। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में वो आप बनो। पैसे आज अगर आपके पास 20,000 रुपए है और आपने खर्चा कर लिया या कहीं भी फेंक दिया, वो वैल्यू नहीं रखेगा। लेकिन जो आपके हाथ में जो सीखा हुआ हुनर है ना, वो आपको जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक उस हाथों से काम करके, उस हुनर से, उस सीखे हुए काम से आप अपनी जिंदगी में कुछ नया कर सकते हो। आपको तय करना है आपकी लाइफ में बेहतर क्या है, आप अपनी लाइफ में बेहतर कैसे कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की बराबरी करने की मत सोचना कि वो मेरे से आगे है, मैं नीचे हूँ, कैसे मेरी शुरुआत होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये आप डिपेंडेंट मत करना। लोगों की मत सुनना, लोगों का काम है आपको गिराने का। हमारे माशरे में जहाँ हम रहते हैं, जिन लोगों के आसपास रहते हैं, वहाँ 3 बंदे ऐसे होगा कि जो अगर कोई चिड़िया चढ़ रहा है तो उनको खींच के ये लेके वापस आएंगे कि हम तो चढ़ नहीं सकते, ये कैसे चढ़ सकता। लोगों का काम ये, अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य, अपनी मेहनत को कहाँ खड़ा करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा काम था आपको एक अच्छी बेहतरीन जानकारी देना। हो सकता है कि किसी भाई को पसंद ना आए, लेकिन आपको अगर कोई भी वीडियो मेरा पसंद नहीं आए तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना यार। आपका गलत कमेंट है ना, सीधा हमारे दिल से जुड़ता है। आप तो एक सेकंड लगता है कि गलत कमेंट करके चले जाते हो, लेकिन आप ये सोचना, लेकिन गलत बोलने का तो आपको कोई हक नहीं है ना हमारे। हम आपसे कुछ लेते हैं थोड़ा ही है, आपसे जो 5-10 मिनट टाइम आपका लेते हैं ना, शायद टाइम में हम कुछ न कुछ आपको बता के ही जाते हैं। हो सकता है कि कोई वीडियो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन कोई वीडियो आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ हो। वो काम तो नहीं करते हैं ना, दिन भर आप सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, चंद व्यूज के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उनके वैसा तो काम नहीं करते हैं ना। प्लीज कुछ सोचा करो, कुछ समझा करो, और कमेंट करने से पहले सोच लिया करो कि हम उस बंदे पे तोमन लगाते, आप हमें जानते नहीं, हम आपको नहीं जानते, 4 दिन की मोहब्बत है, मत किया करो यार, दिल दर्द करता है। लव यू गाइज, और जो मेरे कटर फैन है उनको दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत हमें देते रहना। हम जो भी जंग जीतेंगे प्यार से मोहब्बत से जीतेंगे, जो दिल में है वो आपको बोलते हैं।